13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीम शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खानाबदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सलजूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग पेट डाली और यूं खानाबदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आजमों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाकयात से माखूज है। मुझे नौयान सिंधा चाहिए, मैं सराय में इंतजार करूंगा तुम्हारा। और वो मोहर लाना मत भूलना, तुम्हें दोनों कबाइल के सरदारान और मुअस्सिज़ीन को मुत्तहिद करके रखना होगा। और तुम अगर इसमें कामयाब ना हो सके तो इसकी जो कीमत चुकानी पड़ेगी वो सोच भी नहीं सकता कोई। तंगुद, सादतीन कोपेक ने तुम्हें कारवान सराय बुलाया है। मैं इस उम्मीद पर आया था यहां कि आप लोग इंसाफ का साथ देंगे बहादुर इंसानों की तरह, लेकिन आपकी रगों में तो खून से ज्यादा खौफ दौड़ता नजर आ रहा है। मुझे लगता है कि अपनी वफादारी की वजह से अपने सरदार के राजों पर से पर्दा नहीं उठा पा रही। हमें हर हाल में ये राज उससे उगलवाना होगा। सलजान, कोरको सरदार आर्तुक साहब के पास मौने के लिए गए हैं। कोई और काम तो नहीं है आपको ऐतोलन खातून? नहीं बानो जिजैक, जा सकती हो तुम। इनसे लोगों को महसूल अदा करने में आसानी होगी। जो लोग यहां मुश्किलात में घिरे हुए हैं वो सलजूक रियासत जाकर वहां अपनी नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं। इंशाल्लाह उनकी वापसी तक यहां भी अमन कायम हो चुका होगा। अल्लाह आपसे राजी हो जनाब। बहुत शुक्रिया महमूद साहब। हम लोग कल नमाज फजर के बाद वापस कबीले रवाना हो जाएंगे। यहां आना और आपका मिलना अच्छा लगा हमें। जैसा मैंने बताया आपको, इस्लाम की सरबुलंदी के लिए जो भी इस खित्ते को फतह करेगा
वो इन मजलूमों के दिल भी जीत लेगा और ये लोग सलीबियों के जुल्म सितम से भी छुटकारा पा लेंगे। यहाँ के जुल्म सितम के खात्मे के लिए एक रहनुमा जरूर आएगा और मुझे पूरा यकीन है कि आप अपने सिपाहियों के साथ इस खित्ते को फतह कर लेंगे। आमीन आमीन आमीन। आखिर आप मुझे सच सच बता क्यों नहीं देते ये सब कुछ क्या हो रहा है सादतीन कोपेक? क्या आपको मुझ पर एतमाद नहीं रहा? पहले सुंगुर तकिन, उसके बाद वो ओवोस खान की मोहर और अब ये नोयान। जो चाहिए वो मिल जाएगा तुम्हें। मक्तूब में लिखा था मैंने कि तुम्हारे सरदार आला बनने में कोई रुकावट नहीं अब। और वो नोयान, उसे हमारे बारे में इतना सब कुछ कैसे मालूम है? महल में मौजूद तमाम मंगोल जासूसों का सफाया कर दिया है मैंने। सबसे बड़ी मुसीबत वो नोयान है, क्या आप जानते नहीं हैं? जैसे ही रिहा होगा वो सारी मालूमात मेरे खिलाफ इस्तेमाल करेगा। नोयान की फिक्र मत करो गुमश्तकिन, वो अमन मुआहदे की वजह से ही रिहा होगा और तुम्हें यह बात कबीले को बावर करानी है, बाकी मुझ पर छोड़ दो। मोहर लाए हो तुम? नोयान कोई मसला नहीं बनेगा, ये बात आप इतने वसूख से कैसे कह सकते हैं? वो मोहर के लिए किस हद तक गिर गया था हम जानते हैं। सलजान खातून को अगवा किया उसने, यहां तक के अपने ही जाल में फंस गया। नोयान अब मजीद कोई मुश्किल खड़ी नहीं करेगा। ये सारी दौलत तुम्हारे लिए है, तुम इसे तख्त अजीम के हुसूल के लिए इस्तेमाल करोगे। अगर कोई तुम्हारे खिलाफ जाए तो उसे इन सिक्कों से खरीद लेना और जान लोगे ये मोहर हमारे लिए कामयाबी के दरवाजे खोल देगी। अब वो मोहर मेरे हवाले करो। जाओ, दोनों कबाइल को हमारा अमन मुआहदा खराब करने से रोकना है तुम्हें। और याद रखना कि अगर सल्तनत नहीं होगी तो तख्त अजीम भी नहीं होगा। दुश्मन पर रहम खाओगे अगर तो वो तुम्हें पैरों तले रोन देगा भाई। उस बदबख्त को अगर हमने रिहा कर दिया तो इसके नताइज क्या होंगे शायद तुम्हें इसका अंदाजा भी नहीं।
अमीर सादतीन कोपेक से कारवान सराय में मुलाकात करके आया हूं मैं। क्या वो ये समझता है कि मैं अपने कबीले और खानदान को जानते बूझते खतरे में डाल दूंगी? अगर वो सादतीन कोपेक नामी महल का चूहा। वालिदा, आपको मालूम होना चाहिए कि सल्तनत अमन चाहती है। अमीर सादतीन कोपेक यहां सिर्फ अपना फर्ज निभाने आए थे। सल्तनत का कानून ही मुकदम रहेगा, कोई भी इसके खिलाफ नहीं जा सकता। और जहां तक बात है नोयान की, तो सल्तनत उसे इतने आराम से नहीं छोड़ेगी। एतमाद रखे मुझ पर, इंशाल्लाह बहुत जल्द वो वक्त भी आएगा जब वो बदबख्त नोयान अपने अंजाम को पहुंचेगा। ताजिर अब्दुल्ला आपसे मुलाकात करना चाहता है। बुलाओ उसे। आप मुझसे मिलना चाहते थे सादतीन कोपेक? जंग खत्म होते ही हुलिये ही बदल जाते हैं तुम लोगों के, जैसे बिन पानी की मछली। मंगोलों को अम बिल्कुल रास नहीं आता। अच्छी तरह जानता हूं मैं, इसीलिए तुम्हें यहां बुलाया है। क्या चाहते हो? नोयान को वापस ले आऊंगा मैं काई से, मगर तुम्हें ज्यादा खुशी उस वक्त होगी जब वो वापस ना आए। कहना क्या चाहते हो? खंजर वहीं रहने दो तानकुत, मेरे सामने वफादार सिपाही का ढोंग रचाने की जरूरत नहीं है। हम दोनों अच्छी तरह ये बात जानते हैं कि नोयान अब बोझ के सिवा कुछ नहीं और मौत उसका मुकद्दर है। मुझसे धोखा मत करो वरना अंजाम बुरा होगा। तानकुत, तुम्हारे अंदर मुझे उख्ताई का वफादार सिपाही नजर आता है। तुम नोयान के कोई आम सिपाही नहीं। उसने बहुत बड़ी गलती की और खतरा मोल लिया, जबकि अमन मुहैदे के बारे में वो जानता था। अपने आप को खुद कुंदूकतु के हवाले कर दिया। अगर ये अमन मुहैदा ना हुआ होता तो मैं इस वक्त नोयान की मौत पर जश्न मना रहा होता। लेकिन अफसोस है मुझे इस बात पर कि काई कबीले से मुझे जिंदा वापस लाना है उसे। लेकिन अब मैं उसके साथ नहीं बल्कि तुम्हारे साथ नई शुरुआत करना चाहता हूं। उगदाई को जो जंगी महसूल जाता है उससे हम दोनों फायदा उठा सकते हैं। नोयान अगर जिंदा रहा तो हमारे हाथ कुछ नहीं आएगा। इसके लिए मुझसे क्या चाहते हो? नोयान की मौत, फिर उसकी जगह तुम सरदार बनोगे। तुम्हारे दिमाग में काफी साजिशें हैं, सही कहा ना? ये तुम्हारी सोच है। नोयान को मार दो और उसकी जगह सरदार बन जाओ, इतनी सी बात है। उगदाई आखिर क्यों मुझे मंगोलों का सरदार बनाएगा? अक्लमंद लोग पसंद है मुझे, हम बेहतरीन साथी बन सकते हैं, इसका यकीन है मुझे। मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया तुमने। क्योंकि जो उगदाई को चाहिए वो मेरे पास है। तुम वो चीज ले जाकर जब उगदाई को दोगे तो सरदार बन सकते हो। क्या चीज?
ओस खान की मोहर। जिस मोहर से नोयान को मौत की सजा हो सकती है वो तुम्हारे पास है। बदले में मुझसे क्या चाहते हो? अगर मेरी शराइत कबूल कर लोगे तो मोहर तुम्हारे हवाले कर दूंगा, लेकिन सिर्फ मेरी ही बात माननी पड़ेगी तुम्हें। क्या है वो शराइत? ये क्या हो रहा है आर्तुक भाई? जिसने उनके वालदेन का, भाइयों का, बहनों का जीना मुश्किल कर दिया था, उस बदजात को रिहा करने की बात कर रहे हैं वो? सरदार सुंगुर तकिन आखिर चाहते क्या है भाई? सल्तनत की सोच आम आदमी की तरह नहीं होती देली तमीर। देली तमीर, मैं आपसे कोई बात नहीं करना चाहता। मेरा दिल आपसे उठ गया है, मुझे माफ कर दीजिएगा। आपने सिर्फ इजाफा ही किया है कबीले के दर्द में, और आप देख लीजिएगा गुंदूरदू सरदार नोयान का सर जरूर कलम करेंगे। वो अपनी बेटी की शहादत को नहीं भूल सकते भाई। जानता हूं, यही बात मुझे परेशान कर रही है अर्तुक भाई। सच बोलने की कीमत बाज़ औक़ात बहुत ज्यादा महंगी पड़ती है, लेकिन इत्मीनान रखिए मेरी हिमायत आपके साथ है भाई। जज़ाकअल्लाह। मैं सादतिन को पैक से मिला था सराय में, कोई रास्ता नहीं इसके अलावा हमारे पास। नोयान को रिहा करके मुआहदे पर अमल करना पड़ेगा हमें। लेकिन नोयान, आप जानते हैं कि वो अमन पसंद नहीं। बिल्कुल जानता हूं मैं, इसीलिए हमें अर्तुल के साथ मिलकर मजीद मोहतात होना पड़ेगा। यही हम सब के लिए बेहतर है भाई। अल्लाह कबूल करे तुम्हारी दुआएं। आमीन। शुक्रिया वालिदा। पूरी उम्र इंतजार में गुजरी मेरी। सुलेमान शाह की जंग से सही सलामत लौट आने का इंतजार, अपनी औलाद की मुश्किलात खत्म होने का इंतजार। जिंदगी बीत गई। काय की औरतें हर मुश्किल वक्त के लिए तैयार रहती हैं, ये सब जानते हुए इस कबीले की बहू बनी मैं। हर दम अर्तुरुल की बाहिफाजत वापसी के लिए दुआ करूं और उनकी औलाद के साथ उन्हें खुश देखना चाहती हूं। मेरी जिंदगी का वाहिद मकसद उनके लिए बाई से राहत बनना है, और आप मेरे लिए हिम्मत और हौसला है वालिदा। जीती रहो बेटी। सुलेमान शाह ने उस रात मुझे ख्वाब में आके कहा था, हाय माँ, हमेशा साबित कदम रहना है तुम्हें, चाहे कोई भी मुश्किल आ जाए। घबराना नहीं है किसी सूरत।
अर्थुल। बाबा। अर्थुल। बाबा। बाबा। बैठो मेरे पास। तुमने अब तक दुनिया में बहुत सफर किया है, अहलत से हलब तक, हलब से अर्ज रूम तक तुमने इस्लाम का परचम सरबुलंद किया है। मुझे तुम पर फख्र है। काई कबीले की खातिर बहुत कुर्बानियां दी हैं तुमने। अल्लाह तुम्हें हमेशा सुरखरू रखे। मैं हमेशा आपके नक्शे कदम पर चला हूं बाबा। आपकी नसीहत मशाले राह है मेरे लिए। जो रास्ता काई के और औस के नसीब में आया है वही तुम्हारी राहें रोशन करेगा बरखुदार। उसी रोशनी के पीछे चलना है तुम्हें। वही रोशनी तुम्हें और तुम्हारी नस्लों को नई उम्मीद और इस्लामी सल्तनत के क्याम में मदद देगी और तुम्हारे लश्कर में दुनिया के अजीम लोग शामिल हो जाएंगे और एक अजीम शान रियासत वजूद में आएगी। जो इस दुनिया के तूलो अर्स में फैली होगी और पूरे जहान में तुम्हारी नस्ल जुनूब से लेके शुमाल तक और मगरिब से लेके मशरिक तक अपनी हुकूमत बनाएगी। तुम्हारा बेटा उस्मान तुम्हारी तकदीर बदल देगा इंशाअल्लाह। ओस की नस्लों को इस खत्ते में आबाद करेगा। इसकी सल्तनत बहुत फले फूलेगी और पूरी दुनिया में अल्लाह की खुशनुदी और जिहाद का परचम बुलंद करेगी। एक बेटा अपने बाप का आईना होता है, ये बात हमेशा याद रखना।
अल्लाह इसकी और तुम्हारी हमेशा नुसरत फरमाए। बाबा बाबा मासूम जानों के कातिल मंगोल को रिहा करने के लिए आप कैसे चिरका बुला सकते हैं बाबा? क्या इस तरह इंसाफ होगा? आप इंसाफ का हक हासिल है सबको, लेकिन गुस्से से पागल हो जाना मुनासिब नहीं। चिरका इसलिए बुलाया जाता है ताकि सोच समझकर फैसला किया जाए। चिरका? कैसा चिरका? आप उस जिरगे में अपने हाथों से उस जालिम को, उस मासूम जानों के कातिल को रिहा करवा देंगे बाबा। सादतीन कोपेक के दबाव में आ गए आप, वो जो चाहेगा हासिल कर लेगा आपसे। लेकिन मैं इस गुनाह में आपके साथ शामिल नहीं हो सकता बाबा। भाड़ में जाए आपका जिरगा और आपका फैसला। अमीर सादितीन कोपेक, आज हमारे मेहमान होंगे ताकि वो जिरगे की कार्रवाई को अपनी आंखों से मुलाहिजा करें। क्या आप लोगों की इजाजत है? हाँ, जी बिल्कुल, बिल्कुल शामिल करें। जरूर शामिल करें उन्हें, ताकि वो हमारे गम गुस्से की शिद्दत देख सके अपनी आंखों से। बिल्कुल ठीक कहा। आना चाहिए उन्हें, उन्हें भी देखना चाहिए कि हम कितने गुस्से में हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह हमें सही फैसले करने और उन पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। खुश आमदीद। तशरीफ रखिए।
بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو دونوں جہاں کا مالک و مختار ہے کاروائی شروع کی جائے شولا جوان بہت غصے میں لگتا ہے لگتا ہے کسی نے اس جوان کے زخموں کو کریدا ہے بہت جیسے درندے اور قاتل کو ہم میں سے کوئی بھی رہا کرنے کے حق میں نہیں بالکل صحیح کہا بالکل ٹھیک ہے ہم اسے رہا نہیں کریں گے کسی کی اس درندے کے لیے جرگہ بلانا ہی ہم اپنی توہین سمجھتے ہیں بالکل صحیح آپ نے سردار بنتے ہوئے قسم کھائی تھی کہ آپ انصاف کریں گے ہمیں آپ سے انصاف کی امید ہے ہم اس کی رہائی قبول نہیں کر سکتے یہ ہمارے اقدار اور ہمارے دین کی تعلیمات کے منافی ہے ہم نے آپ کو انصاف کے لیے سردار بنایا تھا نہ کہ قاتلوں کو رہا کرنے کے لیے معززین منگولوں نے میرے دونوں بیٹے اور اس کے بعد میری بیٹی کو مجھ سے چھین لیا آپ سمجھتے ہیں کہ میں اس درندہ صفت منگولوں کے سردار کو معاف کر دوں گا جس نے میری بیٹی اور نواسے کو آگ کے شولوں میں زندہ جلا دیا نہ ہی میں اسے معاف کروں گا اور نہ اسے زندہ چھوڑوں گا بالکل صحیح ہم اسے صحیح چھوڑیں گے ہمارے شہیدوں کا بھی خیال نہیں ہے آپ کو یہ بالکل صحیح اس طرح شہیدوں کا خون ہمارا ہونے نہیں دیں گے ہم سب آپ کے ساتھ ہیں وہ بالکل درست ہے ہم اسے نہیں چھوڑیں گے اللہ تعالی قرآن میں فرماتا ہے اے ایمان والو ہمیشہ امن کا راستہ اختیار کرو نہ کہ شیطان کا کیونکہ وہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک ہمارا دشمن رہا ہے آرتک بھائی نے درست فرمایا امن میں ہی ریاست اور ہماری بقا ہے منگولوں کا راستہ شیطان کا راستہ ہے اگر ہم بھی اسی راستے پہ چلیں تو ہمارے لیے واپسی کا کوئی راستہ نہیں بچے گا صاف ظاہر ہے کہ تم بھی شیطان کی زبان بول رہے ہو اور شیطان نے تمہارے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت چھین لی ہے تم سے دیلی دمیر ہم میں سے کوئی بھی نویان کو یہاں سے رہا کر کے نہیں بھیجنا چاہتا مسئلہ کچھ اور ہے معززین میں نے قبیلے آ کر آپ کو سچ نہیں بتایا تھا میں نویان سے اپنی دوستی کی وجہ سے اغدائی کے قریب ترین ساتھیوں میں شامل رہا یہ کیا کہہ رہا ہے سنا تم نے خاموش رہو دیکھتے ہیں تو اغدائی کے ساتھ رہا ہاں دیکھتے ہیں کہ کیا بات کر رہا ہے میں نے سلطان علاء الدین کے حکم پر ان شیطانوں کے درمیان جاسوس کے طور پر وقت گزارا اور اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر
वहां की हर खबर सुल्तान तक भिजवाता रहा। ये सुल्तान में तो आज पता चला। नोयान को और चंगेज खान के बेटे उगदाई खान को आप में से कोई भी मुझसे ज्यादा बेहतर नहीं जानता। आप अपने मौकिफ में हक बचाने पे सिर्फ नोयान को ही नहीं बल्कि उसके पूरे लश्कर को अंजाम तक पहुंचाना हक है हमारा। लेकिन असल बात सिर्फ हमारे हक की नहीं बल्कि सल्तनत और उसके इत्तेहाद को मलहूज़ खातिर रखना ज्यादा अहम है। मेरे कबीले पर हमला करके मेरे लोगों को बेदर्दी से कत्ल करके इतनी आसानी से निकल जाओगे तुम? हाँ नोयान, जो मर्जी में आए कर लो नादान आदमी, पूरा जोर लगा लो ताकि तुम्हें सुकून और राहत मिल जाए। मारो और मारो और मारो ताकि तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो सके। अपने भयानक अंजाम का बदला अभी से ले लो मुझसे। अगर हमारी सल्तनत अमन की ख्वाहिशमंद है और अपने दुश्मनों से पंजा आजमाई नहीं करना चाहती तो ये जान लें कि इसी हिकमत अमली में सल्तनत और हमारी भलाई पोशीदा है। इसीलिए हमें अपने जज्बात को काबू में रखकर सल्तनत आलिया का भरपूर साथ देना चाहिए। हमें जंग और अमन दोनों हालात में अपनी सल्तनत के साथ मिलकर चलने की जरूरत है। मेरे ख्याल में वक्त आ गया है कि मौज़ज़ीन ये फैसला करें कि हमें इस मामले का क्या अंजाम करना है। लेकिन याद रहे, हमारा कोई भी फैसला मुस्तकबिल में होने वाले वाकयात के लिए बाल से ज्यादा बारीक और तलवार से ज्यादा कांटदार होगा। अमन मुआहदे और सिपहसालारों की रिहाई के लिए नोयान को रिहा करने के जो भी हक में है वो अपने हाथ बुलंद करें और अपने फैसले से आगाह करें। दोहराता हूं मैं अपनी बात, क्या आप सब नोयान की रिहाई के हक में हैं?
सल्तनत की बात माने या फिर एक और खूनी जंग के लिए तैयार रहे। काश हमें ये दिन कभी न देखना पड़ता। जुल्म है ये, मुझे ये उम्मीद नहीं थी आप लोगों से। आज के बाद मुझे जिरगे की किसी कार्रवाई में मत बुलाइएगा। वो हमारी रियासत और कबीले के जंगजुओं की खातिर शुरू से ही नोयान को मारने का खुफिया मंसूबा बना रहा था वालिदा। उसने इसीलिए नोयान की रिहाई की पूरी कोशिश की। तुम्हारे कबीले ने मुझे रिहा करके अपनी मौत को दावत दी है। किसकी बात कर रही हो तुम? ने कहा था कि आप अपनी बहुओं से भी तफ्तीश करेंगी। ये मत भूलना कि तुम्हारी जिंदगी अभी भी मेरे हाथ में है।